तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांजेक्शन, और हम बात करेंगे कुछ सेटिंग्स के बारे में और कुछ और भी छोटे मोटे ट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो जो लास्ट क्लास में बताया था कि जो हमारे फाइल में हमारे पास जो सेटिंग होती है, तो इसमें तो फाइल में हमारे कोई बेसिक चीजें है, सेव, डैमेज, कॉपी, पेस्ट वगैरह, ये तो आप कर सकते हैं। इसमें एक चीज है एडवांस ऑप्शन, ऑप्शन में कुछ सेटिंग्स है जो कि आपको पहले चेंज कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगी, या किसी ने चेंज कर दी है तो आपकी प्रॉब्लम, आपको उससे प्रॉब्लम हो रही है तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है सर, तो यहाँ पे सबसे पहले हम खोलते हैं जनरल, कई सारे कैटेगरीज में बांटा गया है हमारे सेटिंग्स को। सबसे पहला ऑप्शन आता है जनरल, तो इसमें सबसे पहले तो आप अपने फॉन्ट की बॉडी को डिफॉल्ट कर सकते हैं। जैसे हम देखिए अपना डिफॉल्ट फॉन्ट की बॉडी कैलिब्री है, राइट। अब जरूरी नहीं मैं यही फॉन्ट रखूँ, मुझे हर बार हर डेटा में अपने फॉन्ट को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो हर बार चेंज करने के बजाय, हेलो अभी ब्रेक हो रही है, तो यहां आप ऑप्शन में आएंगे और ऑप्शन में आने के बाद आप जाएंगे जनरल में, ये आपका डिफॉल्ट फॉन्ट होता है, डिफॉल्ट फॉन्ट को चेंज कर सकते हो, फॉन्ट की साइज कर सकते हैं, नॉर्मल व्यू कर सकते हैं, व्यू जो आता है आपका यहां होता है, इस नॉर्मल व्यू को आप चेंज कर सकते हैं, नॉर्मल टू पेज, पेज से पेज, वेब पेज व्यू एंड पेज लेआउट व्यू, तीन व्यू होते हैं, इस व्यू में चेंज कर सकते हैं। तो खासकर हम फॉन्ट के इस्तेमाल करते हैं, फॉन्ट का इस्तेमाल थोड़ा सा बेनिफिशियली है, ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कई बार जरूरत पड़ जाती है। जैसे मैं एक क्या हुआ था, एक बार मैं यूपी गवर्नमेंट की ट्रेनिंग में गया था, तो वहाँ पे मैंने पूछा कि आपको प्रॉब्लम क्या होती है, तो उन्होंने बोला कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम एक एक करके सेल के फॉन्ट को चेंज करते हैं। मतलब कि अगर मुझे हिंदी में मुझे लिखना होता है बराबर, तो हम पहले यहाँ पे जाके मुझे हिंदी का फॉन्ट करना होता है, फिर टाइप करना होता है, और बोलते हैं कि मेरा ज़्यादातर काम हिंदी में होता है, तो ऐसा कोई फॉन्ट फिक्स हो जाए, मतलब कि फॉन्ट अपनी मर्जी से मैं अपना डिफॉल्ट रख सकूँ, तो उस केस में मैंने बोला कि यहां से चेंज कर लीजिए, राइट। दूसरा आता है ऑथर, ऑथर मतलब यूजर नेम। अब कोई भी फाइल आपको भेजा या आपने किसी को भेजा तो पता लगा सकता है कि इस फाइल को किसने बनाया है। जैसे कि इस फाइल पे कर्सर रखा तो मैंने दिखाया कि प्रीतम ने बनाया है, और इस फाइल पे कर्सर रख रहा हूं तो दिखा रहा है हमारा कि आईपीटी एक्सेल स्कूल ने बनाया है। तो ये ऑथर जो है बाय डिफॉल्ट यहां से पिक करता है, राइट। तो जो आपका लॉगिन आईडी होता है, ये लॉगिन आईडी ही आपका जो होता है वो आपका डिफॉल्ट ऑथर नेम पकड़ लेता है। तो क्या होता है, सम टाइम ऑफिस में क्या होता है कि मेरा लॉगिन आईडी यूजर नेम एडमिन वन इस तरह से होता है, तो आप यहां पे इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। बाकी इसमें छोटी मोटी चेंजिंग है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक चीज और है, किसी ने अगर आपको इस तरह से R1C1 पे क्लिक कर दिया तो अगर आपके वो नंबर्स में आ रहा हो तो आप इसको चेंज कर सकते हैं एक्सेल ऑप्शन से जाके फॉर्मूला। उसके बाद यहाँ प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट ऑप्शन बना सकते हो, जैसे कि मैं अगर मैं एक्सेल सीट पे DS लिखता हूं तो स्पेस मारते हो डेली सेल्स रिपोर्ट हो जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने एक्सेल की जो सेटिंग है उस सेटिंग में प्रूफिंग में गया और यहाँ ऑटो करेक्ट ऑप्शन में हमने शॉर्टकट बना लिया। तो आप भी अगर ऐसे शॉर्टकट, ऐसे सेंटेंस जो बार बार आप लिखते हो या ऐसे वर्ड्स की स्पेलिंग मेरी तरह भूल जाते हैं, तो आप इसके लिए शॉर्ट की तैयार कर सकते हैं। ये बहुत फायदेमंद चीज है, और ये जो सेटिंग हम चेंज कर रहे हैं ये किसी पर्टिकुलर फाइल के लिए नहीं हो रहा है,
ये पूरी एप्लीकेशन की सेटिंग चेंज हो रही है, तो मतलब कि आपके पीसी में जहां जहां भी प्रॉब्लम होगी हर जगह जो सॉरी जहां जहां भी आपकी एक्सेल फाइल है सारे एक्सेल फाइल पे एप्लीकेबल होगा। एक प्रॉब्लम और आती है, अगर मान लीजिए कि आप कोई डेटाबेस बना रहे हैं और डेटाबेस में आपने अगर कोई ईमेल आईडी या कोई वेबसाइट का एड्रेस डाल दिया तो एंटर मारते ही उस पर हाइपरलिंक लग जाता है, एक काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मारा तो ये हाइपरलिंक लग गया, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर हम इस लिंक को एडिट करने की कोशिश करूं तो क्लिक हो जाएगा, लेकिन हम डेटाबेस बना रहे हैं तो डेटाबेस में ईमेल आईडी एक नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मेट में होना चाहिए जिसको नॉर्मल तरीके से बिहेव करना चाहिए। तो ऐसी प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि आपका यहां एक्सेल की सेटिंग में एक्सेल की सेटिंग के प्रूफिंग में आप जाते हैं ऑटोकैड पे जाते हैं तो यहां ऑटो फॉर्मेटिव टाइप में इंटरनेट एंड नेटवर्क पाथ विथ हाइपरलिंक क्लिक्ड है। अगर आप इसको अनचेक कर देते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी काम करते समय। अगर मैं लिखता हूं तो नॉर्मल डेटा ही होगा, इस पे हाइपरलिंक नहीं लगेगी और सिर्फ इसी फाइल में नहीं किसी भी फाइल में ये प्रॉब्लम होगा। ठीक है, कोई डाउट आप लोगों को? तो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, एक्सेल ऑप्शन में यहां पे आते हैं आप शेप पे, तो शेप पे क्या होता है कि आप जैसे कि जब भी आप फाइल को कंट्रोल एस करते हैं तो इस तरह का ऑप्शन खुल के आता है ना, तो जब ब्राउज पे क्लिक करते हैं तो दो चीजें होती है, एक आपका डिफॉल्ट जो लोकेशन है वो आपका माई डॉक्यूमेंट होता है। प्रॉब्लम है कि मैं हमेशा माय डॉक्यूमेंट तो सेव करता नहीं, हम फाइल को डी ड्राइव सी ड्राइव या किसी एक पाथ में मोस्टली फाइल को सेव करते हैं तो बार बार हमें उस पाथ पे जाना पड़ता है। दूसरा, फाइल का जो आपका पाए है जैसे देख रहे हैं मेरा डिफॉल्ट माइक्रो एनेबल वर्कबुक आ रहा है लेकिन डिफॉल्ट आपका एक्सेल वर्कबुक होता है तो इससे भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप बराबर माइक्रो फाइल ही क्रिएट करते हैं तो दिक्कत हो सकती है कि गलती से अगर एक्सेल वर्कबुक रह गया तो सारे माइक्रो सारे कोडिंग डिलीट हो जाएंगे आपके। तो आप इसकी भी सेटिंग चेंज कर सकते हो ऑप्शन में आके, एक्सेल ऑप्शंस में आप आइए यहां सेव पे और यहां अगर सबसे पहले तो आप चेंज कर लीजिए अपना पाथ जैसे मैंने सिलेक्ट चेंज किया हुआ है और दूसरा यहां आपका ये जो चीज आती है ऑटो रिकवर होती है। तो ऑटो रिकवर जानते हैं ऑटो रिकवर क्या होता है? ऑटो रिकवर होता है, हाँ बताता हूं मैं, ऑटो रिकवर ऐसा होता है कि जब फाइल सेव बिना सेव किए हुए बंद हो जाती है और वो आप बंद नहीं करते हैं, ये मेन टॉपिक है ध्यान रखिएगा, सिस्टम की प्रॉब्लम के कारण बंद होता है, चाहे एंटॉक्स कर दिया या पीसी शट डाउन हो गया या हैंग होकर बंद हो गया, अगर आपने क्लोज किया तो आपको रिकवर नहीं मिल गया। ठीक है, तो आप यहां से ये ऑटो रिकवर आपका हर 10 मिनट में सेव करता है और इस लोकेशन में सेव करता है, तो टाइम को घटा या बढ़ा सकते हो या फिर इस ऑटो रिकवर ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हो। अब डिसेबल क्यों करेंगे, ये तो अच्छी चीज है, डिसेबल इसलिए करेंगे जैसे मान लीजिए कि बहुत बड़े लार्ज फाइल पे आप काम कर रहे हैं, जो 700-800 एमबी की फाइल है उस पे आप काम कर रहे हो तो हर 10 मिनट में आपकी फाइल हैंग हो जाती है क्योंकि हर 10 मिनट में फाइल वो सेव करता है, तो सेव करने में आपका जो है तकरीबन 30-40 सेकेंड या 50 सेकेंड हो सकता है, एक मिनट से ज्यादा भी ले, वो हर 10 मिनट में आपका सिस्टम को हैंग कर दे रहा है, तो उस केस में आप यहां से डिसेबल कर दो तो किसी भी फाइल में ऑटो रिकवर नहीं चलेगा, या आप किसी एक पर्टिकुलर फाइल पे ऑटो रिकवर डिसेबल करना चाहते हो तो जो फाइल ओपन है उस फाइल में से उस पर्टिकुलर फाइल को सिलेक्ट करके डिसेबल ऑटो रिकवर कर दीजिए, तो वो 10 मिनट पे वो इस सारी फाइलों की सेव करेगा बट वो सेलेक्ट की हुई फाइल जो यहाँ सिलेक्ट है और इस पे क्लिक है उस फाइल को नहीं करेगा। समझे दीपक जी? ओके, दूसरा यहां पे हमारा है डिफॉल्ट लोकेशन,
जिस ड्राइव में आप ज्यादातर सेव करते हैं उस ड्राइव का पाथ डाल दीजिए सिंपल, बाकी इसमें आपको चेंज नहीं करने लायक नहीं है। एडवांस, एडवांस में कुछ चीजें हैं जैसे कि आप एंटर मारते हैं तो कर्सर डाउन होता है, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ती है कर्सर डाउन ना हो, लेफ्ट जाए या राइट जाए, तो आप यहां से चेंज कर सकते हो। या फिर आप चाहते हो कि एंटर मारने पे कर्सर कहीं मूव ही ना करे तो आप क्लिक कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम और होती है जैसे कि अभी देखिए मैंने क्या कि ऑटोमेटिक इंसर्ट डेसिमल पॉइंट पे हमने क्लिक कर दिया। अब ऐसा करने से क्या होगा कि अब मैं यहाँ पे अगर 50 लिखता हूँ एंटर मारते हो 0.5 हो जाता है, तो जो भी लिखूंगा उसमें 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब परसेंटेज वगैरह की एंट्री हम लोग करते हैं तो बार बार परसेंटेज सिंबल ना देके इसका यूज हम लोग करते हैं, लेकिन इसको वापस चेंज करना जरूरी होता है। दूसरा, किसी भी चीज को हम लेके ड्रैग कर सकते हैं ना, अब ड्रैगिंग पॉइंट को भी डिसेबल या किसी ने डिसेबल कर दिया है तो उसको अनेबल कर सकते हैं एडवांस में जाके यहां से। बहुत सारे सेटिंग्स हैं, छोटी मोटी सेटिंग्स हैं, आप खुद उसको देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सीट का नाम है, आप चाहते हो कि सीट का नाम ना दिखे, ठीक है, तो यहां से देखिए बुक टू, यानी पर्टिकुलर फाइल पे होगा क्योंकि फाइल पर्टिकुलर फाइल सिलेक्ट है, सीट नेम को अनचेक कर दीजिए तो कोई इसका सीट नेम नहीं दिख पाएगा। छोटी मोटी प्रॉब्लम हाँ लो बोलिए। देखिए इस जो एक एक्सेल फाइल के लिए होगा वो ऊपर यहाँ सिलेक्ट होगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए बुक टू सिलेक्ट है, तो ये जो चार फीचर है ये सिर्फ बुक टू के लिए एप्लीकेबल है। इससे ऊपर के जो चीजें हैं वो पूरी फाइल जहां पर्टिकुलर फाइल के लिए होता है वहां पे फाइल का लिस्ट दे देता है, ओपन फाइल जो भी फाइल ओपन है उस ओपन फाइल का लिस्ट आपको दे देगा। और जहां ओपन फाइल के लिस्ट नहीं है इसका मतलब कि वो पूरी एप्लीकेशन को चेंज कर रहा है। सीट का लिस्ट है, सीट फाइल मतलब कि बुक टू के सीट फाइल पे जाएगा, ठीक है, तो यहां पे दिया हुआ है, लेकिन जहां पे नहीं दिया हुआ है वो समझिए कि डिफॉल्ट है। अब बात करते हैं एडिट कस्टम लिस्ट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे चल के आपके एडवांस सॉर्टिंग इसी से जुड़ा हुआ है, तो चलिए इसको समझते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे जैन फैब मार्च इतने मंथली का नेम लिखना है, तो मैं एक महीने का नाम लिखूंगा और नीचे ड्रैग कर दूंगा तो कंटिन्यूअस हमारे मंथ के लिस्ट आ जाते हैं। ऐसे मैं मान लीजिए कि यहाँ पे अगर संडे लिख देता हूँ और नीचे ड्रैग कर देता हूँ तो ये संडे मंडे ट्यूजडे आ जाता है। तो क्या मैं कि अपने टीम के मेंबर का नाम लिखूं और ड्रैग करूंगा तो आएगा लिस्ट? मेरे सिस्टम में लिस्ट आएगा बट आपके सिस्टम में पूरे में सिर्फ पूजा लिखा हुआ आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अपने एक्सेल की ऑप्शन में जाके कस्टम लिस्ट में जाके सॉरी यहां पे एडवांस में कस्टम लिस्ट, यहां पे हमने लिस्ट क्रिएट कर रखा है, तो आप भी एक लिस्ट यहां क्रिएट कर सकते हैं। आप न्यू लिस्ट पे जाएं, आप यहां न्यू लिस्ट पे जाएं और यहां पे लिस्ट डाल, इसमें सिटी का लिस्ट डाल रहा हूं, पुणे दिल्ली ऐसे लिस्ट का नाम दे दिया और इसको ऐड कर दीजिए। अब क्वेश्चन आता है कि क्या लिस्ट का नाम हमें टाइप करना पड़ेगा? मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है, तो पहले बात ये कि बड़ी लिस्ट है सबसे पहले तो आपको यहाँ पे 256 से ज्यादा लिस्ट लेगा नहीं, ये बात जान लीजिए। दूसरी चीज, यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या फिर यहाँ अगर आपके कहीं पे लिस्ट टाइप है तो वहां पे इसको सिलेक्ट करके आप इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। तो आप सिलेक्ट कीजिए, इंपोर्ट कीजिए, ओके कीजिए, अब आपके लिस्ट तैयार हो गए। अब किसी भी एक्सेल फाइल में जाएंगे
अब मैं मान लीजिए अब जरूरी नहीं है कि मैंने पुणे से स्टार्ट किया है तो मैं पुणे से ही रैंक स्टार्ट करूंगा, आप जो लिखेंगे सिटी का नाम उससे आगे की लिस्ट कंटिन्यू हो जाएगी। तो इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं अपने ऑफिस में कि आपके पास बहुत सारे सिटी लिस्ट होंगे, क्लाइंट लिस्ट होंगे, प्रोडक्ट लिस्ट होंगे, ऐसी लिस्ट जो कि बार बार आप कॉपी करके पेस्ट करते हैं या टाइप करते हैं, ऐसी लिस्ट का यूज आप कर सकते हैं। मैं तो काफी ज्यादा करता हूं क्योंकि सैंपल डेटा बनाने में मुझे जरूरत पड़ती है। तो दीपक जी समझ में आ गई और मैम आपको भी समझ में आ गया। ओके, अब यहां बाकी कस्टमाइज रिबन में हम जाते हैं। कस्टमाइज रिबन में क्या होता है कि आपके मेनू बार आप देख रहे होंगे, तो आप सिस्टम पे देखेंगे तो शायद आपको व्यू तक ही दिखेगा, डेवलपर स्टेटस स्ट्रीमिंग पावर पिवट ये सब चीजें नहीं होंगी। ये सब चीजें क्यों नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है। जैसे आप देखिए ड्रॉ का टेबल डिसेबल है, अगर ड्रॉ का टेबल पे क्लिक ड्रॉ के मेनू बार पे क्लिक करता हूं, ओके करता हूं, देखेंगे यहां पे हमारा ड्रॉ भी आ जाएगा। ठीक है, और यही नहीं, ये तो मेनू बार है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास रिबन में बहुत सारे कमांड, अगर मैं यहाँ पे जाऊं और सिलेक्ट करूं कमांड नॉट इन रिबन, तो इतने सारे कमांड हमारे रिबन में नहीं है। अब इसमें से आपकी जरूरत पड़ गई, अगर आपको जरूरत पड़ गई तो आप इसको किसी भी मेनू बार में ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेनू बार में ऐड करने से पहले ध्यान रखिएगा कि आपको एक ग्रुप ऐड करना पड़ेगा, डायरेक्ट इस तरह से ऐड नहीं, आपको एक ग्रुप ऐड करना पड़ेगा, फिर उस ग्रुप में इसको ऐड कर सकते हैं। तो आगे चल के भी इसका यूज आप कर सकते हैं, जो बहुत सारे व्यू प्रॉब्लम है इसमें जिसका यूज हम लोग करते हैं। उसके अलावा आप नई टैब भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आपने माइक्रोज बनाया हुआ है या फिर आपके कुछ मोस्ट यूजेस कमांड है। क्या कैसे, मान लीजिए कि आप पूरे दिन भर में मान लीजिए 100 फीचर्स यूज कर 100 ऑप्शन को या 100 कमांड को यूज करते हो, और वो 100 कमांड डिफरेंट डिफरेंट मेनू बार में, वो आपको मेनू बार में ढूंढते रहना पड़ता है कि आपका पिवट टेबल इंसर्ट में आ जाता है, फिल्टर आपका होम में चला जाता है, डेटा एनालिसिस आपका डेटा में चला जाता है। तो ऐसे ऑप्शन के लिए आप यहां न्यू टैब क्रिएट करके सारे ऑप्शन को ऐड कर सकते हैं। इसको ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। दूसरा, यहां ऊपर आप देख रहे हैं कि कुछ फीचर्स है, जैसे कि आपका सेव का है, जैसे आपका ये अनडू रीडू है, ऐसे यहां भी फीचर ऐड कर सकते हो। तो ऐड करने का फायदा क्या है, अभी हम आपको बताते हैं कि क्या फायदा है। मैं यहां पे और कमांड पे जाता हूं, ऑल बॉर्डर को ले लेता हूं मान लीजिए, चलिए, और इसको ऐड कर दिया। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ कि एक शॉर्टकट बन गया, मुझे अगर इस पे अप्लाई करना है तो अल्ट प्रेस करूंगा, अल्ट प्रेस करते ही यहां देखिए नंबर 5 आपको दिख रहा है, और मैं नंबर 5 यूज कर दूंगा तो बॉर्डर लग जाएगा, मतलब कि अब नेक्स्ट टाइम मुझे एक शॉर्टकट बन गई हमारी अल्ट 5। तो आपकी जो 5-7 जो कमांड है मोस्ट यूजेज, उसको यहां पे डाल के अल्ट के साथ एक नया नंबर वाला शॉर्टकट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहां एडिंस आता है, एडिंस क्या है समझ जाइए। देखिए क्या है कि आप जैसे पावर पिवट हो गया, ऐसे बहुत सारे ऐसे एक्सेल के फीचर्स है जो कि एडिंस के रूप में मिलते हैं, तो उसको आपको एनेबल करना होता है। तो यहां पे एक्सेल गो पे जाएंगे तो देखिए इतने सारे हैं, जैसे कि टूल पैक है, एनालिसिस है, सोल्वर है, इसे मैं सोल्वर पे क्लिक करके ओके कर दिया, तो अब मेरा सोल्वर जो है मेरे सिस्टम में ऐड हो जाएगा। तो सोल्वर कहाँ ऐड हुआ, तो आई थिंक डेटा में ऐड हुआ होगा, या देखिए ऐड हो गया, डिफॉल्ट नहीं था। ऐसे आपका पावर पिवट भी है, अब आपके सिस्टम में पावर पिवट मान लीजिए नहीं है तो यहाँ पे सेटिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कॉम सेटिंग में चले गए एंड ओके किया, तो कॉम सेटिंग में हमारा पावर पिवट पे क्लिक कर दूंगा तो पावर पिवट का मेनू बार आ जाएगा। तो ऐसे आप अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, और डिपेंड करता है आपके एक्सेल के वर्जन के ऊपर।
एक्सेल का कौन सा वर्जन है। अब बोला कि आपके पास सब कुछ होगा, एक्सेल के वर्जन पे डिपेंड करता है क्या क्या आपको एडेंस के रूप में मिला हुआ है। और उसके अलावा आगे चल के अगर आप किसी से मान लीजिए किसी को बोला कि मेरे लिए एक्सेल का कोई एक वीवीए के थ्रू या भी किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू कुछ एक फीचर क्रिएट कर दो, तो आपको भी वो एडिंग्स के रूप में ही देगा जो कि आगे चल के आपको यहाँ एडिंग्स में ऐड करना होगा, ब्राउज पे जाके, ठीक है, उसको ऐड करके फिर वो एक्सेल का पार्ट हो जाएगा। तो ये आगे चल के है। तो आपने फाइल मेनू बार के ऑप्शन में सीखा, अब आप जो है इस पे अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है दीपक जी। कोई चीज, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे बेसिक पार्ट थे जो कि मैंने नहीं कराया, मुझे ऐसा लगा कि आपको आता है, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं कुछ चीजें रह गई है तो मुझे बता दीजिएगा। जैसे कि ट्रस्ट सेंटर है, ट्रस्ट सेंटर क्या होता है कि ये आपको ट्रस्ट सेटिंग चेंज कर सकते हैं। अब ट्रस्ट सेटिंग चेंज करने का पर्पस क्या है, ऐसा इसलिए कि आप आगे चल के बीवीएमआई का प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो कनेक्टिविटी सीखेंगे कि एक्सेल टू आउटलुक की, एक्सेल टू अदर एप्लीकेशंस की, तो अदर एप्लीकेशंस को आपको पहले यहां से ट्रस्ट सेंटर की सेटिंग चेंज करना होगा, तब जाके होगा। देखिए देखिए माइक्रो सेटिंग मैंने अनेबल किया हुआ है, बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है। ऐसा होने से क्या होगा कि जब मैं मेल करूंगा एक्सेल के थ्रू बी आउटलुक से मेल करूंगा तो आउटलुक में माइक्रो अनेबल करने के लिए पॉपअप देगा। तो इस तरह की सेटिंग चेंज करते हैं। इसके बारे में हम आपके आगे जब वीवीए प्रोग्रामिंग की क्लासेज में कराऊंगा तो उस समय बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से एक बार स्कैन कर लीजिएगा कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। ओके, अब बात करते हैं फाइल की प्रॉपर्टीज की। देखिए फाइल की प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से मेंटेन किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा कि हमने यहाँ डेटा पे क्लिक किया तो मुझे डेटा के बारे में पता चला कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट है, ऑथर ये है और इसकी साइज इतना है। अब इसकी राइट क्लिक करके मैं इसकी प्रॉपर्टी पे चला जाता हूं और इसकी प्रॉपर्टी में यहां एक समरी होता है, यहां आपका एक डिटेल्स होता है, डिटेल्स हो समरी हो, अलग अलग वर्जन पे अलग अलग दिखता है। अब मैं इसकी टाइटल ऐड कर देता हूं, मैं लिखता हूं कि पिवट उसके बाद सब्जेक्ट दे सकते हैं, टैग, टैग जरूरी है जिससे कि आप आगे चल के इसको किस किस में सर्च कर सकते हैं। मैं इसको पिवट में सर्च कर सकता हूं, मैं इसको डैशबोर्ड में सर्च कर सकता हूं, मैं इसमें डीटी के नाम से सर्च कर सकता हूं या हम इसको फाइल के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो ये टैग हमने यहां पे बना दिए, अब मैं इसको अप्लाई करके ओके करता हूँ। एक बार अपने फोल्डर को रिफ्रेश करता हूँ, मैं डेटा पे जाता हूँ। अब यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं आप कि यहाँ पे मेरा टाइटल नहीं दिखा रहा है क्योंकि तो मेरे विंडो में कुछ प्रॉब्लम है, बट आप विंडो 8 पे हैं तो जब इस पे कर्सर लेके जाएंगे तो इसका टाइटल सामने दिख जाएगा आपको। और टैग डालने का बेनिफिट क्या हुआ, अब मैं कहीं भी सर्च करूंगा, जैसे मान लीजिए मैं डेस्कटॉप पे हूँ और मुझे सर्च करना है, अब मैं यहाँ पे इसको डीटी से सर्च करूंगा तो यहां देखिए डीटी नाम है तो आ गया, अब डेटाबेस में आ गया क्योंकि मैंने इसकी प्रॉपर्टी को चेंज किया था, टैग डाला था, ठीक है। तो यहां से टैग डालने का पर्पस होता है सर्च करने, क्योंकि क्या होता है कि मेरा एनालिसिस कहता है कि हम अपने लाइफ में, ऑफिशियल लाइफ में, हम 30% का टाइम सिर्फ फाइल फोल्डर को खोजने में निकाल देते हैं। दीपक जी आप सही है, मैं सही हूं, क्योंकि हम फाइल डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में रखते हैं, 6 महीने फाइल कहाँ रखे हम भूल जाते हैं, फिर मुझे पूरा खोजना पड़ता है कि मैं 6 महीने फाइल अपने रखा कहाँ था क्या। लेकिन इसके लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है जो कि मैं यूज करता था, मैं आपके साथ इसको डिस्कस करना चाहूंगा। हमने एक फाइल लोकेशन सिस्टम तैयार किया था। अब फाइल लोकेशन सिस्टम क्या होता था, हम क्या करते थे, जो भी हम फाइल क्रिएट करते थे उसकी एक डेटाबेस मेंटेन करते थे एक्सेल शीट में, जैसे कि डेट किस डेट को हुआ, हमने फाइल का नाम क्या रखा और हमने किसके लिए बनाया,
किसको हमने भेजा और भी जो डिटेल्स रख सकते हैं, और यहाँ पे लोकेशन या पाथ कर लीजिए, और यहाँ पे हम पाथ देने के साथ उस पर हाइपरलिंक लगा देते थे। तो होता है क्या था, इसमें दो बेनिफिट थे कि जो भी डिटेल्स हम यहाँ पे जो भी फाइल बनाते थे वो डिटेल्स हम रख लेते थे। तो इससे एक बेनिफिट होता था कि जब मुझे फाइल ओपन करना होता था तो हम यहीं पर सर्च कर लेते थे, फिल्टर कर लेते थे, शॉर्ट कर लेते थे, तो यहां पर मुझे ढूंढना आसान होता था कंपेयर देन कि आपके डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स में जो ढूंढते हैं। क्या दीपक जी मैं सही बोल रहा हूं? हेलो, ओके, मैं सही बोल रहा हूं ना सर? क्योंकि मैं जो बता रहा हूं मेरा एक्सपीरियंस है, कोई ऐसा किताबी बातें नहीं बता रहा हूं, मैं खुद के एक्सपीरियंस बता रहा हूं। तो इसका एक फायदा ये हुआ कि आपको फाइल को नेविगेट करने में फायदा होगा। तो आप लोग भी ऑफिस में इस सिस्टम को बना सकते हैं कि आप फाइल की पूरी एक लिस्ट तैयार करके रखें। दूसरा फायदा इसमें होता है कि अगर किसी दिन आप छुट्टी पर हैं और आपके पीसी पे या आपके जगह पे कोई और काम कर रहा है, तो छुट्टी में आपका सर खा जाएगा कि फलाने फाइल कहाँ पर रखा है, चाहे रिपोर्ट कहाँ पर रखा है, रिपोर्ट कहाँ पर रखा है। तो आप क्या कीजिए कि लिस्ट बना दीजिएगा, तो बोल दीजिएगा भाई लिस्ट में बताया हुआ कौन से फाइल कहां पर रखना है, ढूंढ लो। दूसरा फायदा ये होता है इसका कि आपकी छुट्टी बर्बाद नहीं होती है। तीसरा फायदा है जब आप ऑफिस से छोड़ोगे तो आपको हैंडओवर देना पड़ेगा, ताकि आप जो भी फाइल रिपोर्ट है जो आपके बाद आपका काम दिखेगा उसको देना पड़ता है, समझाना पड़ता है। वहां पे बहुत फायदेमंद चीज होगा कि आप सीधे लिस्ट दे दो कि भाई जहां कहां कहां फाइलें रखी हुई है, ये पूरी इंफॉर्मेशन यहां पे है, आप देख लो। तो आपकी हैंडओवर में दिक्कत नहीं होगी। तो ये चीजें मैं अपने लाइफ में यूज किया हूं, क्योंकि मैं काफी ज्यादा जॉब चेंज किया था, 17-18 जॉब मैंने चेंज किए हैं। तो वहां पे मुझे फायदे होते थे कि जो भी फाइल हम बनाते थे वो सारे फाइलों का लिस्ट रखते थे। तो अब बोलोगे सर मेरे पास तो सिस्टम में ऑलरेडी 2-3 हज़ार फाइलें हैं, तो अब मैं नया फाइल बनाना कैसे करूं? तो इसके लिए सलूशन ये है कि आप अभी से जो फाइल बनाए उसके लिस्ट करना शुरू कर दें। दिन में अगर आपके पास टाइम बचता है तो डेली 20-25 एंट्री कर दें। तो इससे एक फायदा ये होगा कि जो पुराने फाइलों हैं जो अननेसेसरी है, फालतू के बन गए हैं, वो आपका डिलीट हो जाएगा, डिलीट कर दीजिए, जिससे पीसी भी आपकी क्लीन हो जाएगी और पीसी की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको यूज कीजिएगा, ठीक है। अब अगला टॉपिक हमारा है, हमने फाइल मेनू बार के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम बात करते हैं होम मेनू बार पे। देखिए होम मेनू बार से पहले हम फाइल के टेम्पलेट के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ये थोड़ा सा जरूरी है। टेम्पलेट क्या होता है? अब दीपक जी, आप जब ऑफिस में रिपोर्ट बनाते हैं तो क्या करते हैं? आप कल वाली रिपोर्ट को ओपन करते हैं, उसको सेव एज करते हैं, कल के जो डेटा है उसको डिलीट करते हैं और आज की डिलीट करते हैं, यही करते हैं ना। अगर मान लीजिए कि आज मैंने अपने रिपोर्ट का एक इंफॉर्मेशन पार्ट डिलीट कर दिया था किसी कारण से, ये बात आपको कल याद नहीं रही, तो अब आगे से आपका वही इंफॉर्मेशन पार्टी कंटिन्यूस बढ़ता चला जाएगा। ये मेरे साथ ऐसा हो रखा है। मैं एक ऑफिस में काम करता था, मेरे बॉस किस कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे गए हुए थे, तो उसके जगह पे किसी और को मुझे रिपोर्ट करना था। तो एक रिपोर्ट मैंने उनको भेजी, तो उन्होंने बोला कि मेरी रिपोर्ट में एक पर्टिकुलर सीट थी, ये डेटा शीट थी, मतलब कि इंफॉर्मेशन शीट थी, वो बोले कि ये मत भेजा करो। तो मैंने क्या किया, उनकी रिपोर्ट में वो चीज़ डिलीट करके मैंने उनको भेजा। तो महीना डेढ़ महीना ऐसे चलता रहा, और महीना डेढ़ महीने बाद बॉस हमारे आ गए और फिर मैं उनको रिपोर्ट करने लगा। अब हुआ क्या कि 3 महीने या 4 महीने बाद बॉस ने बोला कि मेरी रिपोर्ट में ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं भी दंग रह गया कि मैं रिपोर्ट किया क्या। फिर मैं एक एक करके पीडीएफ पूरी रिपोर्ट को देखा, तो पता चला कि उस दिन को मैंने ये रिपोर्ट उनके कहने पे डिलीट कर दी थी। तो बॉस ने बोला कि उसको जरूरत नहीं है, बट मुझे तो जरूरत है, तो मुझे तुम भेजते सो भेजो, तो एटलीस्ट मुझे कहीं पे मेरी गलती पकड़ी गई, मुझे गलत साबित किया गया कि तुमने गलती की है। तो मैंने क्या किया कि सारे रिपोर्ट की फॉर्मेट टेम्पलेट बना दिया।
कैसे बनाया देखिए, सिंपल सा रिपोर्ट टेम्पलेट आपके सामने मैं बना रहा हूं, ये सिंपल से बना रहा हूं। माइनस होगा ना सी आर प्लस बैलेंस माइनस डी आर, यहाँ पर सी आर होगा और फिर नीचे तक हमने फॉर्मूला लगा दिया और यहाँ टोटल दे देता हूँ मैं। और यहाँ पे मैं सम कर देता हूँ इसका, अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं, मैंने बस सिंपल कर दिया इसको। सम इफ कर दिया मैंने, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको भी बोल्ड कर देता हूँ और इस पे हम देते हैं और साथ में इसके नीचे हम डबल ब्रैकेट दे देते हैं और फिर नीचे यहाँ पे मैं ऑथराइज बाई और यहाँ पे चेक बाई। इसको यहाँ से बॉर्डर जो है सिंगल अंडरलाइन बॉर्डर दे देता हूँ और बेटर दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि पेज लेआउट में जाता हूँ और यहाँ से ग्रिड लाइन को हटा देता हूँ। अब ये रिपोर्ट बन गई। अभी मुझे क्या करना होता है कि हर दिन इस इंफॉर्मेशन सारी इंफॉर्मेशन को फिल करना होता है, तो दिक्कत क्या होता है कि जब भी इंफॉर्मेशन फिल करना होता है मुझे इसकी प्रीवियस इंफॉर्मेशन को डिलीट करना होता है, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, इस फाइल को सेव एज कर लिया, सेव एज एक लोकेशन में, मैं डेस्कटॉप पे चले सेव कर लेता हूं और इसका नाम मैं डाल देता हूं कैश कैश। और यहां पे हम एक्सेल टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेते हैं, एक्सेल टेम्पलेट, ठीक है। और अब इसको क्लोज कर देते हैं। अब जब भी मुझे अगर बनानी होगी तो मैं इस कैश वाली फाइल को यहां से ओपन कर, ओके और यहां पे डिटेल मिलेगी। अब ऊपर देखिए यहां पे आपको कैश वन दिख रहा होगा, जैसे आप एक नई फाइल एक्सेल फाइल ओपन करते हैं तो बुक वन दिखता है ना, ऐसे यहां पे आपका कैश वन दिख रहा है। अब मैं इसको दोबारा ओपन करूंगा तो कैश टू दिखेगा, मतलब कि मेरी जो टेम्पलेट है वो हमेशा फिक्स रहेगी, ठीक है, और हमेशा ये ब्लैंक ही मुझे देगा। और फिर मैं इंफॉर्मेशन को फिल करूंगा और मैं उसको सेव करके भेज दूंगा। तो टेम्पलेट का यूज आप अपने रिपोर्ट्स के लिए कर सकते हो, जो भी रिपोर्ट्स है सारे रिपोर्ट्स को ब्लैंक करके आप टेम्पलेट में सेव कर दो और कल की जब बनाना होगा तो आप उसको जस्ट ओपन कीजिए, तो आपको सेव एज करके पूरी डेटा वेटा डिलीट विलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और काफी टाइम आपका बचेगा और आपका फॉर्मेट सलामत रहेगा। और उसको ये भी कर सकते हो कि भाई किस दिन कौन कौन सी रिपोर्ट बनानी है उसकी फोल्डर बना के वो टेम्पलेट उसमें डाल सकते हो, ताकि आपको याद रहे कि हाँ वीकली रिपोर्ट कौन सी जाएगी, मंथली रिपोर्ट कौन सी जाएगी, क्वार्टरली रिपोर्ट कौन सी जाएगी, ईयरली रिपोर्ट कौन सी जाती है, वो पूरा आपका एक पैटर्न की तरह टेबल चार्ट की तरह बना रहेगा, ठीक है संदीप। तो आज जो चीजें बताई उस पर प्रैक्टिस कीजिए और आज
की जो रिकॉर्डिंग है आपके माई डॉक्यूमेंट के जूम फोल्डर में सेव हो जाएगा, और इससे पहले की जो रिकॉर्डिंग है कल की क्लास की, वो रिकॉर्डिंग में देखता हूँ, निकाल कर आपको भेज देता हूँ। तो मिलते हैं कल।